हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं आरबीआई न्यूज सीरीज का पार्ट थर्ड, जो कि आपके मेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ। तो फर्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग आरबीआई 27th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है, ये ईयर में दो बार रिलीज करता है आरबीआई, एक जून मंथ में और एक आपका दिसंबर मंथ में, ठीक है। और जो ये रिपोर्ट होती है, इसकी वैल्यूएशन कौन बनाता है? एफएसडीसी। एफएसडीसी की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो देखो, इस रिपोर्ट में बोला क्या गया है, जो बैंक की सीआरएआर रेशियो है, ठीक है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, ठीक है, जो कि हमने बैसल नॉर्म वाली वीडियो में पूरा पढ़ा हुआ है। अगर आपको ये डिटेल में समझना है टॉपिक, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो जो ये रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये बोल रही है कि जो बैंक की सीआर रेशियो है, ठीक है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो है, ये काफी ज्यादा बढ़ गई है, और जो कि काफी अच्छी बात है, ठीक है। ये कितनी पहुंच गई है? 17% मार्च 2023 में। पर ये कह रहे हैं कि 2024 मार्च में ये थोड़े गिर भी सकती है, और कितनी पहुंच जाएगी? 16.1%। तो देखो, जो सीआरएआर रेशियो होती है हमारी, इसका बढ़ना बैंक के लिए अच्छा होता है कि बुरा होता है? तो इसका बढ़ना बैंक के लिए काफी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जो सीआरएआर रेशियो होती है, वो होती क्या बेसिकली? आपकी कैपिटल अपॉन रिस्क, ठीक है, कैपिटल अपॉन रिस्क इक्वल्स टू सी आर ए आर होता है, ठीक है। अगर ये चीज हमारे को इंक्रीज करनी है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम रिस्क को डिक्रीज करेंगे या कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। तो देखो, अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो बैंक की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, और वहीं अगर हम रिस्क को डिक्रीज कर रहे हैं, तो भी बैंक की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो सी आर ए आर अगर बढ़ेगी, तो बैंक उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरा ये बोल रहा है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है हमारे, ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है, उसका जो एनपीए वो भी काफी कम हुआ है। तो देखो, यहाँ पे इन्होंने एनपीए जो है हमारा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, उनको दो कैटेगराइज में बांटा है, एक हमारा ग्रॉस एनपीए, एक हमारा नेट एनपीए। तो ये बोल रहे हैं जो ग्रॉस एनपीए वो मार्च 2023 में कितना था? 3.9%, और जो नेट एनपीए था हमारा, वो कितना हो गया? 1%, ठीक है। अब जो जीएन, जो ग्रॉस एनपीए और जो नेट एनपीए में फर्क क्या होता है? तो देखो, जब बैंक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करता है, ठीक है, तो ये एस्टिमेट लगाता है कि हम इतने लोन करेंगे इस साल में। तो जब ये लोन्स की कैलकुलेशन करता है, तब ये भी मानता है कि भाई हमारे को पता है अगर हम इतने लोन करेंगे, तो कुछ परसेंट जो है लोन का, वो हमारे पास वापस नहीं आएगा, वो एनपीए बनेगा। तो उसके लिए ये अलग से एक फंड ना इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि जो एनपीए होगा उसको ये कंपनसेट कर पाए उस फंड के साथ। तो उस फंड को बोलते हैं ये प्रोविजन। प्रोविजन, तो सपोज एक बैंक ने एक साल में 5 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है, कि अगर कोई लोन खराब होंगे, तो उसको कंपनसेट ये इस 5 करोड़ से करेंगे, ठीक है। अब उस साल क्या हुआ कि बैंक ने लोन्स जो किए, वो किए आपके लगभग 100 करोड़ के, ठीक है, और 100 करोड़ में से क्या हुआ, 10 करोड़ रुपया जो है वो वापिस नहीं आया, और वो बन गया हमारा एनपीए। तो यहां पर क्या होगा, जो ये 10 करोड़ है ना, इसको बोलेंगे हम क्या? ग्रॉस एनपीए। जो पैसा वापस नहीं आता, उसको बोलते हैं ग्रॉस एनपीए। अब देखो, इस क्या हुआ कि 10 करोड़ तो था जो हमारा, वो वापस नहीं आया, वो बन गया हमारा ग्रॉस एनपीए, और हमने संभाल के कितना रखा था, प्रोविजन में कितना रखा था? 5 करोड़। तो ओवरऑल बैंक को नुकसान कितने का हुआ? देखो, 5 करोड़ तो इसने यहां से कंपनसेट कर दिया, ठीक है, तो बचा कितना? 5 करोड़। टोटल 10 करोड़ था, 5 करोड़ इसने प्रोविजन रखा था, तो इसको टोटल पैसे कितने रह गए? 5 करोड़, क्योंकि देखो ना, इसने 5 करोड़ पहले से ही रखा था कंपनसेट करने के लिए, जो भी एनपीए होगा उसको कंपनसेट करने के लिए इसने पहले से ही 5 करोड़ अपने पास रखा था, पर एनपीए जो था वो हमारा ज्यादा हो गया 10 करोड़, तो टोटल देखो लॉस कितने का होगा? 5 करोड़ का। तो इसको क्या बोलेंगे? नेट एनपीए, ठीक है, ये होता है हमारा नेट एनपीए, और जो टोटल एनपीए होता है, जो पैसे वापस नहीं आते हैं टोटल, उसको बोलते हैं ग्रॉस, और जो ग्रॉस में से अगर हम प्रोविजन को माइनस कर दें, तो जो बचता है उसको क्या बोलते हैं हम? नेट एनपीए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन की आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो ये देखो, 2023 में कितना है हमारा ग्रॉस एनपीए? 3.9%, और नेट कितना है? 1%। और ये क्या कह रहे हैं कि 2024 में थोड़ा और कम हो जाएगा, ठीक है, ग्रॉस एनपीए 2024 में कितना कह रहे हैं कि ग्रॉस एनपीए कितना हो जाएगा? 3.6% हो जाएगा, ठीक है। 2023 में कितना है? 3.9, और 2024 में कितना बोल रहे हैं? 3.6%। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और बात करते हैं हम सबसे पहले आरबीआई एफआरएसबी की। तो देखो, आरबीआई एफआरएसबी क्या है आपका? एफआरएसबी होता है आपका फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। ये एक तरीके की सेविंग बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और इंटरेस्ट मिलता है। पर यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, ठीक है, उस पे टैक्स कट सकता है अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी। तो आरबीआई ने क्या किया है, इस सेविंग बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो इंक्रीज कर दिया। कितना कर दिया? 8.05%। पहले कितना था? पहले था आपका 7.75%, अब कितना कर दिया? 8.05%। और कब से ये चालू होगा? जुलाई 1, 2023 से, ठीक है। तो जो ये एफआरएसबी है, ठीक है, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जो है, इसका जो इंटरेस्ट है, ये हाफ ईयरली पे होता है आपको। हाफ ईयरली पे होता है, कब कब? एक होगा आपको 1 जुलाई को,
और एक होगा आपको 1 जनवरी को, ठीक है। और इसका इंटरेस्ट रेट भी साल में 2 बार डिसाइड होता है, कब, एक 1 जुलाई को और एक 1 जनवरी को, ठीक है। अब देखो, जैसे 1 जुलाई को इंटरेस्ट रेट कितना कर दिया उन्होंने, 8.05%, तो ये कब तक चलेगा, 31 दिसंबर तक चलेगा। और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक जो आपका इंटरेस्ट इकट्ठा होगा वो आपको क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट में 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को आपका नया इंटरेस्ट रेट लग जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जब इसके नाम में ही है फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग रेट मतलब फिक्स रेट नहीं है सेविंग बॉन्ड पे, ये फ्लोट करता रहेगा, चेंज होता रहेगा टाइम के हिसाब से, कम होगा तो कम मिलेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा। तो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स क्या होते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट आपका टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको, FRSP को ले कौन कौन सकता है, तो इसको कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है, साथ ही साथ HUF, HUF क्या, आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, ये सब आपके इस बॉन्ड को ले सकते हैं। और इस बॉन्ड की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1,000 रुपए, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, आप 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ का भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें देखो, अब जो मेच्योरिटी है, ठीक है, वो कितने की है, 7 ईयर्स की, 7 साल से पहले आप नहीं ले सकते, पर एक कंडीशन है, अगर आपको 7 साल से पहले लेना है तो ये कौन ले सकता है, वो व्यक्ति ले सकता है जिसकी एज 60 और 60 से ऊपर है, सिर्फ वो इसको प्री मेच्योर अवेल कर सकता है, मतलब बीच में तुड़वा के पैसे वापस कर ले सकता है, वरना अगर आम जनता होगी जो 60 से कम होगी तो उनको क्या होगा, 7 साल तक इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका इंटरेस्ट हमने अभी डिस्कस कर लिया, साल में 2 बार ही क्रेडिट होता है, 1 जनवरी 1 को और 1 जुलाई 1 को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, अब यहाँ पे बात करते हैं, आरबीआई ने अपग्रेड किया अपना इन्फो मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, CIMS, ठीक है। CIMS की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये क्या है, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और ये कब किया गया, 17th एनुअल स्टैटिक्स डे कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो यहां से आपका एक स्टैटिक का क्वेश्चन भी बनता है, वो ये है कि जो हमारा नेशनल स्टैटिक डे है वो कब बनाया जाता है, तो वो कब बनाया जाता है, जून 29 को, ठीक है। और किसके रिगार्ड में बनाया जाता है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्रा के, ठीक है। और इस बारी की थीम क्या थी, अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अब देखो, इस जो नया मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, इससे पहले कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम था आरबीआई के पास, वो था आपका CDBMS, सेंट्रल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखो, जो CIMS और CDBMS है, ये करते क्या है, बेसिकली ये बैंक से इंफॉर्मेशन लेते हैं और वो अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका डाटा स्टोरेज यूनिट काम करता है, ठीक है, जिसमें डाटा आपका पूरा प्रोसेस्ड होता है। तो आरबीआई ने ये 30 जून से चालू किया है, और स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में, सबसे पहला मौका किसको देंगे इसको यूज करने का, कमर्शियल बैंक को, उसके बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, और लास्ट में NBFCs इनको यूज कर पाएगी, ठीक है। एक बार ये पहले प्रोसेस चालू हो जाएगा फिर तो सारे ही यूज करेंगे, ठीक है, पर सबसे पहला मौका किसको दिया जा रहा है, कमर्शियल बैंक्स को, फिर अर्बन कोऑपरेटिव, फिर NBFCs को, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, अब बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, IBA, IBA क्या है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इन्होंने एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई है, ठीक है, 5 मेंबर का ग्रुप बनाया है, जो इंप्लीमेंट करेगा क्या, आरबीआई की कमेटी की रिकमेंडेशन, किसके ऊपर, ARC, ARC क्या, आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, जो आपके खराब एनपीए लोन्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सीज करके उनको दोबारा बेचती है, ठीक है, जिसको बैड बैंक भी बोलते हैं एक तरीके से। तो देखो, ARC के ऊपर जो रिकमेंडेशन आई थी आरबीआई की कमेटी द्वारा, उसके लिए इन्होंने क्या किया है, आईबीए ने एक 5 मेंबर का ग्रुप बनाया है। तो देखो, ये 5 मेंबर्स के नाम यहाँ पे ये रहे, इनमें से ये 2 जो नाम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आपका स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है कि MD एंड CEO ऑफ SLMA कौन है। SLMA क्या होता है, सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन, तो उसका MD एंड CEO कौन है, अजीत कुमार। और CEO ऑफ एसोसिएशन ऑफ ARC, ARC क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो उसके CEO कौन है, हरिहर मिश्रा, ठीक है। तो ये 2 व्यक्तियों के नाम काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी इन 3 के आप याद रखो ना रखो कोई बात नहीं, इन 2 के पक्का याद कर लेना, ठीक है। और 5 मेंबर की कमेटी है, ठीक है, और किसके लिए बनाई गई है, इंप्लीमेंटेशन, किस चीज की इंप्लीमेंटेशन, जो रिकमेंडेशन दिए हैं आरबीआई की कमेटी ने ऑन ARC। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि आरबीआई की उस कमेटी का नाम क्या है जिसने रिकमेंडेशन दिए हैं, तो उस कमेटी का नाम है सुदर्शन सेन कमेटी, ठीक है। और इसने रिकमेंडेशन कब, रिपोर्ट सबमिट कब की थी ARC के ऊपर, नवंबर 2021 में, ठीक है। तो ये था आपका ARC के रिलेटेड क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग डिपॉजिट्स क्लेम, जो कि कितने के हुए हैं इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल डिपॉजिट क्लेम हुआ है 751.8 करोड़ का। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल क्लेम, जो डिपॉजिट क्लेम हुए हैं, वो कितने करोड़ के हुए हैं, तो 751.8 करोड़ के, ठीक है। अब देखो, ये जो क्लेम हुआ है ये करवाता कौन है, ये करवाता है आपका DICGC, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो बेसिकली करते क्या है, जो आपके सेविंग्स अकाउंट या FD अकाउंट, जो भी अकाउंट होते हैं,
तो ये इंश्योर करते हैं उसको। और क्या इंश्योरेंस करते हैं कि बाय चांस अगर आपका बैंक डूब जाता है तो हम हर अकाउंट पे मैक्सिमम अमाउंट कितना देंगे, मैक्सिमम होगा 5 लाख रुपए, ठीक है, उतने तक का क्लेम आपको दे देंगे। अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दो पर्सन है, ठीक है, दो पर्सन है ए और बी, और उनका अकाउंट है एक एक्स वाई जेड बैंक में, ठीक है। अब ए के अकाउंट में पैसे हैं 2 लाख रुपए और बी के अकाउंट में पैसे हैं 8 लाख रुपए, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो एक्स वाई जेड बैंक है ये डूब गया, ठीक है, ये मतलब बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, ये बंद हो गया बैंक। तो DICGC क्या करेगा, जो ये ए और बी हैं इनको पैसे अपनी तरफ से इंश्योरेंस क्लेम देगा, ठीक है। तो देखो ए के अकाउंट में कितने पैसे थे, 2 लाख, तो इसको पूरा 2 लाख मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। पर बी को कितना मिलेगा, बी के अकाउंट में देखो पैसे तो 8 लाख थे पर बी को क्लेम कितना मिलेगा, सिर्फ 5 लाख। क्यों, क्योंकि DICGC जो है वो इंश्योरेंस मैक्सिमम कितने की करता है, 5 लाख पर अकाउंट करता है, ठीक है। मैक्सिमम इंश्योरेंस कितने की क्लेम करवाता है, सिर्फ 5 लाख की। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, इससे मैटर नहीं पड़ेगा, आपको मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा, 5 लाख। वहीं अगर आपके अकाउंट में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख है तो आपको अपनी पूरी पूरी वैल्यू वापस मिल जाएगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5 लाख की, ठीक है। तो यहाँ से एक स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है कि DICGC का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो कहाँ है आपका, मुंबई में, और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था 1978 में, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं जो आरबीआई ने स्टेटमेंट्स रिलीज किए हैं, इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांस है। तो सबसे पहली न्यूज है आपकी, आरबीआई ने इंजेक्ट किया है बैंकिंग सेक्टर में कितना पैसा, 75,000 करोड़, ठीक है। तो यहां से आपका सीधा क्वेश्चन बन सकता है, और ये जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, तो ये करती है आरबीआई एक रेपो ऑक्शन के साथ। रेपो रेट क्या होता है, जिससे आरबीआई जो है वो बैंक्स को लोन्स देती है, ठीक है। तो वैसे ही एक रेपो ऑक्शन करती है जिसके थ्रू ये बैंक में जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें पैसा इन्फ्यूज करती है, इन्फ्यूज, ठीक है, ताकि बैंक्स की कंडीशन और बेटर हो सके और उसमें और ग्रोथ हो सके, ताकि वो जितना ज्यादा इन्फ्यूजन होगा उतना ज्यादा पैसा और बांटेगी लोगों को और इकोनॉमी जो है वो हमारी ग्रो करेगी, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्ट क्वेश्चन कि आरबीआई ने कितना पैसा इन्फ्यूज किया बैंकिंग सेक्टर में, 75,000 करोड़, ठीक है। दूसरा, आरबीआई कह रहा है कि जो इंडिया की एक्सपोर्ट सर्विसेज है वो इंक्रीज कर गई है, ठीक है, और कितना इंक्रीज किए हैं आपकी, देखो 7.7% कंपेयर टू मई 2022, पिछले साल मई में जो था उससे 7.7% का इंक्रीज हो गया। टोटल कितना पहुंच गया इंडिया का एक्सपोर्ट बिजनेस, 27.06 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। पर यहाँ पे एक बात और है कि इंडिया का इंपोर्ट भी बढ़ा है, ठीक है, इंपोर्ट कितना से बढ़ा है, 2% से, और वो कितना पहुंच गया, 15.5 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो देखो एक कंट्री के लिए विन सिचुएशन कब होती है, जब उसका एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा हाई हो एज कंपेयर टू इंपोर्ट, ठीक है। जितना ज्यादा कंट्री एक्सपोर्ट करेगी उतना ज्यादा उसकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि देखो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज किया है 7.7% से, इंपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है पर वो सिर्फ 2% से, और इंपोर्ट टोटल कितना पे खड़ा हुआ है, 15.5 बिलियन, और एक्सपोर्ट कितने पे, 27.06 बिलियन पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज रिगार्डिंग कि अगर इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन रहा है, एक डेवलप्ड नेशन बन रहा है, बनना है, तो उसकी जो जीडीपी है वो अगले 25 साल तक किस रेट से ग्रो करनी चाहिए, 7.6% के रेट से ग्रो करनी चाहिए अगले 25 साल तक, तब इंडिया जाके 2047 में, जब इंडिया को आजादी के 100 साल हो जाएंगे, ठीक है, 2047 में तब जाके इंडिया जो है वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगा, डेवलप्ड नेशन बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको पर कैपिटा जीडीपी जो इस वक्त कितने पे है, $2,500, उसको कहां तक पहुंचाना पड़ेगा, $22,000 तक, ठीक है। तो यहां से आपका स्टैटिक का क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकते हैं, स्टैटिक मतलब कि इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। और एक ये जो न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखो आरबीआई ने क्या कर दिया है, अलाउ किया है कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी, ठीक है, कार्ड नेटवर्क्स की पोर्टेबिलिटी, मतलब पोर्टेबिलिटी मतलब एक कार्ड से आप दूसरे कार्ड में स्विच कर सकते हो। अभी किस किस पे है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सभी कार्ड्स पे अलाउ कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है, सपोज इसमें देखो आप बैंक चेंज नहीं कर पाओगे, अगर आपका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो वो रहेगा एक्सिस बैंक का ही, ठीक है। अब जैसे SBI की बात करता हूं मैं, तो SBI देखो वीजा, ठीक है, रुपे, ग्लोबल, ये सारे कार्ड्स इश्यू करता है SBI, ठीक है। तो अब ये बोल क्या रहा है RBI कि 1 अक्टूबर 2023 से आप क्या कर पाओगे, समझ लो आपके पास वीजा का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो उसको आप रुपए में चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो आप उसको जैसे हम एयरटेल की सिम जियो में पोर्ट कराते हैं, जियो की BSNL में पोर्ट कराते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे वीजा का कार्ड रुपए में पोर्ट करवा सकते हो, मास्टर कार्ड में पोर्ट करवा सकते हो, ठीक है। ऐसे आप उनके जो नेटवर्क है उनको चेंज कर पाओगे, पर वो बैंक का उसी बैंक का रहेगा, बैंक नहीं चेंज कर पाओगे। जैसे SBI का कार्ड है तो वो SBI का ही रहेगा, बस उसका नेटवर्क जो उसका ऑपरेटर है उसको चेंज कर पाओगे, आप उसको स्विच कर पाओगे कब से, अक्टूबर 1, 2023 से, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ, तो देखिए यहाँ पे ये जो ये वाली न्यूज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, क्योंकि आरबीआई ने अलाउ किया है एक बैंक को, कौन से बैंक को, न्योंग ह्यूम बैंक,
टू वर्क एज अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन इंडिया, ठीक है, इसको अलाउ कर दिया है कि ये काम कर सकेगा एज अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो एक बैंक को अगर इंडिया में शेड्यूल कमर्शियल बैंक की तरह काम करना है तो उसके लिए मैंडेटरी क्या है कि उसको शेड्यूल सेकंड ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर आना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल सेकंड में आ रहा है तो वो काम कर सकता है एज अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो आरबी ने किसको अलाउ किया है, नियोंग ह्यूम बैंक को, जो कि एक बेसिकली एग्रीकल्चर बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका सियोल साउथ कोरिया में, ठीक है, सियोल साउथ कोरिया में। तो बेसिकली एक ये साउथ कोरियन बैंक है जिसको इंडिया ने आरबीआई ने अलाउ किया है इंडिया में टू वर्क एज अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो लास्ट न्यूज है हमारी, ये रिगार्डिंग आरबीआई ने बहुत सारे कॉपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस कैंसिल किए हैं, ठीक है। तो ये रहे उन कॉपरेटिव बैंक्स के नाम, तो देखो अगर आपको ये नाम याद हो रहे हैं तो वेल एंड गुड है। देखो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, पर क्वेश्चन आएगा तो पता किस पे आएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। अभी आरबीआई ने रिसेंटली इस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यहाँ पे इनके हेडक्वार्टर भी लिखे हुए हैं मैंने। हेडक्वार्टर मतलब बेसिकली यहीं पे काम करते थे, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक थे तो ये ज्यादा बड़े एरिया में काम करते नहीं थे, तो ये इनका मेन एरिया जो था वो ये थे, ठीक है। तो ये एक बड़ी गो थ्रू हो जाना, याद हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, बस एक बार इसको रीड कर लेना, क्योंकि रीड किया हुआ कभी कभी क्लिक हो जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये थी कुछ आज की आरबीआई रिलेटेड न्यूज़, जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ नाइस डे।